हेलो गाइस, कमा गणी साहब, गुड मॉर्निंग तो क्या बोलूँ, गुड इवनिंग है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको मेरे न्यू भाभी सा जिसकी शादी में मैं आई हुई हूँ। तो वैसे मैंने सारी रस्में आपको दिखा दी है, तो मैंने सोचा कि भाभी सा को भी दिखा के ही जाऊँ। वैसे दो तीन दिन मैं यहाँ रुक रही हूँ, तो मैं भाभी सा को दिखा ही देती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेके जा रही हूँ भाभी सा के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं लेके जा रही, लेकिन मेरे जो मामाओं को मैं वो दे रहे हैं कि मेरी तरफ से कर देना वहाँ पे कुछ भी, तो मैं लेके आई हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। तो ये मम्माओं को ये वाला सूट भेजा है, पंवरी, ये पंवरी का सूट है। और ये मेरी तरफ से मतलब जो भी है जिनकी शादी है उनके छोटे भाई के लिए ये है। अब सब रेडी, बाय बाय। बाय बाय नहीं, भाभी सा को दिखाना है अभी तक, ब्लॉग की एंडिंग नहीं करनी अभी तक। और यहाँ पे फिर भाभी सा के वेलकम के लिए डेकोरेशन वेकोरेशन किया था, तो भाभी सा आने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी भाभी सा को। भाभी सा को इस ब्लॉग में मैं आपको फेस नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था फेस, तो डेकोरेशन देख लो अभी तक। और भाभी सा को देखना, कितने सुंदर लग रहे थे भाभी सा और भैया की, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो आगे देखिए, मैं आपको भाभी सा को दिखाने जा रही हूँ। या नई रिवाज है, मतलब सबके दूल्हे तोरण मारते हैं, यहाँ दुल्हन भी तोरण मारेगी। ये दुल्हन का डेकोरेशन, ये भाभी सा आ गए। तो गाइस, अब हम भाभी साहब को ले रहे हैं सामने, तो भाभी साहब मारने जा रहे हैं तोरण। तो मैं तोरण मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ अपने लाइफ में कि दुल्हन भी तोरण मारती है। दुल्हा तो मारता है, मैंने हमेशा देखा है, लेकिन दुल्हन भी तोरण मारती है ये मेरे को नहीं पता था। तो मैं बुआ सा के जब गई थी तब पता चला मेरे को कि यहाँ तोरण मारेंगे। और ये आप सामने देख सकते हो, तलवार और खिचड़ी के डाले से तोरण मार रहे हैं भाभी साहब, और हम सब इंजॉय कर रहे थे इसको। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, वो जो साइड में सब्सक्राइबर के पास में बेल आइकन ज़रूर आ रहा है, तो उसको प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर यहाँ पे ये सामे ले रहे थे सामे लेने के लिए। और फिर वो क्या है कि थोड़ा सा ऐसे उजाला था ना, तो उजाला ढलने के बाद में हमारे सामे लेते हैं। और ये सब हम सब इनका ही वेट कर रहे थे भाभी सा का देखने के लिए, ऊपर से सीढ़ियों में सब देख रहे थे। ये है चिंका जीजा, उधर सीमा बुआ खड़े हैं और इधर बच्चे खड़े हैं सब उनके, और इधर इनकी तो हमारे यहाँ पे ये एक रस्म हो रहा है, जो थालियाँ भाभी भैया मतलब टोनू दादा थालियों को इधर उधर साइड में करेंगे, और भाभी सा इनको थालियों को उठाएंगे कि बिना आवाज़ किए थाली मीन्स कि इनको सारी थाली उठा के भुआसा को भुआसा के हाथों में देनी है। तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए,
इसीलिए भैया तो टोनू दादा तलवार से इधर उधर कर रहे थे और भाभी सा उठा रहे थे। और ऐसे बोलते हैं कि आवाज़ आती है तो बीन मिलनी के हमेशा खटपट खटपट यही रहती है, खटपट में इसकी लड़ाई रहती है, और आवाज़ नहीं आई तो इनकी घर गृहस्थी शांति से निकल जाएगी। और अब देखते हैं, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई थी इनकी, रियली बिल्कुल आवाज़ नहीं आई थी। और इन्होंने इतनी शांति से उठाई थी प्लेटें, मीन्स कि वो बोलते हैं ना कि चत्तर है बीन नहीं। और ये सामने भुआ सा खड़े हैं मेरे, जो बहुत सुंदर लग रहे थे, और अभी ये बैठ रहे हैं। ये थालियाँ इनको भाभी सा थालियाँ जिलाएंगे इनको। और ये जो नेक होता है कि सामने लेते हैं ना, तो सासू को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इन्होंने पाइजेब और ऐसे कुछ पैसे दिए थे मेरे को, ऐसे कंफर्म पता नहीं है कि क्या क्या दिया था क्या क्या नहीं दिया था। और साल इनकी भैया की जो सिस्टर्स है वो भी खड़ी थी गेट पे, क्योंकि बाहर रुकाई की रस्म तो होती है ना गाइस, तो बहनों के वही आता था, उसी में इनकम होती है बहनों के तो। और आगे आप देखिए कि कितने में मानते हैं। एक बार इधर देखो दीदी, बारी वैसे निकाल बोले नहीं कर पकड़ के आ जात को मौको बताने की मम्मी बताई नहीं जाते तमसा ज्योति कब्र का पेशेंस को रही सूट में कर ये भाई स्कूल की जा छोटी सी आपने कह दिया मैं यानी पूरा बोल अरे तो वो बाहर है बना रहा था ना उनको बोल रहे आप तो खींचो तो जल्दी मान गई भैया जल्दी मान गया भैया देख मैंने कहा था समझदार है फोटो तो ले भैया इनके ले रहे हो क्या फोटो ले भैया छोटा छोटा ले लो तुम और यहाँ पे सब भाभी साहब को देख रहे थे, इधर मासी साहब कुमार है और भी कोई है इनके रिलेटिव वगैरह, तो वो सब देख रहे थे। मैंने नहीं देखा, मैंने सेकंड दिन देखा था क्योंकि मैंने देख रखा है पहले, क्योंकि ये क्या है कि निमोद में आते थे पहले, तो मैंने देख रखा है। और अब ये रस्म हो रही है डोलडे खोलने की, जो बीननी सा तो मीन्स की भाभी सा तो है ना, दोनों हाथों से खोलेंगे और भैया एक हाथ से खोलेंगे। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, भाभी सा डोलडा खोल रहे हैं। और यहाँ पे अब टोनू दादा या भाभी सा का रोलडा खोल रहे हैं, वो एक हाथ से खोलेंगे, भाभी सा दो हाथों से खोल रहे थे। और फिर डोलडे की रस्म के बाद ये अंगूठी जुए वाला खेल होता है, जिसमें भाभी सा जीतते हैं या फिर टोनू दादा जीतते हैं, कौन जीतता है। तो वहाँ पे तो भाभी सा जीते थे और यहाँ पे शायद टोनू दादा जीते थे। तो देखिए बहुत मज़े आएंगे गाइस, आगे आगे व्लॉग में बने रहना और कंटिन्यू रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसी वीडियो में आपको बहुत मज़े आने वाले हैं कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता है। वहाँ ये जीते, यहाँ ये जीत जाएंगे। खिलावाड़ा की भी स्पीड आपका घुमा रहा है फूल और आंगले में रोड रहे हो यार, नहीं आपको हाथ नीचे घुमा लू मैं आपका हाथ नीचे करो। अरे यार भाभी से दो हाथ लगा रखे हो फिर भी हाँ।
अब लास्ट टाइम दूध के अंदर ये चीटिंग करती है यार, रिप्ले करना पड़ेगा। मुझको लग रहा था कि तुम लोग भविष्य जीतते हैं इसमें। और फिर इसके बाद में ये रुई वाली रस्म होती है, जो रुई चुगनी पड़ती है वो रखेंगे, भाभी सा रख रहे थे, और ये बीनड़ी को भी उठानी है और भैया को भी उठानी है, दोनों को उठानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि रुई रखेंगे साइड, हर जगह पे रखेंगे, कभी इधर कंधे पे, कभी उधर पैर पे ऐसे, तो भाभी सा को भी उठानी पड़ेगी, और आगे देखना व्लॉग में भैया भी उठाएंगे इसमें। अब देखिए अब भैया और एक ये वाली रस्म भी होती है कि कुछ ये सारे जूहे और रुई वाली रस्म होने के बाद में कुछ मीठा खिलाते हैं, भैया भी 7 बार बाबीसा को खिलाएंगे और बाबीसा भी 7 टाइम भैया को खिलाएंगे, और फिर दोनों हाथ धो लेंगे एक दूसरे के। और यही वाले सर नोट नहीं दिया आपने। चुग्गी का आज की तो अच्छा, ये खुशी का ठीक लो लो, ओके गाइज बाय बाय, गुड नाइट। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और वैसे मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, खाना वाना तो अब खाऊंगी, लेकिन फिर भी है ना मीन्स कि सारे फंक्शन हो चुके हैं और फीस देखते हैं, मैंने तो देख लिया है और अब आपको दिखाऊंगी। ओके बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, पूरी वीडियो डालूंगी मैं आपको, पूरी वीडियो देखना आप और बताना कि मेरी ब्लॉग आपको कैसे लगे और किस तरह के आपको ब्लॉग चाहिए, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बताना प्लीज़। ओके बाय।